आज की इस लोक कला संगम कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पद्मश्री मुकुंद नायक जी, माननीय हर्ष चौहान जी, उसी प्रकार आज के अध्यक्ष के रूप में श्रीमान सज्जन राजकुमार जी चोपड़ा, दिल्ली इकाई के अध्यक्ष माननीय सुशील भाईती जी और उपस्थित दिल्ली के सभी आत्मीय बंधु भगिनी, सभी को राम राम। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, लोक कला संगम चल रहा है, तो एक बार नारे हो जाए, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, टंट्या मामा भील की, टंट्या मामा भील की, रानी गैदनलियों की, रानी गैदनलियों की। लगभग 2-2.5 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है और आप सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये जो आज का आयोजन है, ये वनवासी कल्याण आश्रम दिल्ली और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संयुक्त उद्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। इस प्रकार का दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, उसी प्रकार लगभग 8 कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और कल्याण आश्रम में मिलकर देश में विभिन्न स्थानों पर किए थे। विशेषता इसकी यह है कि ये महानगर में कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है, बाकी सारे कार्यक्रम ग्रामीण अंचल में जहाँ जनजाति समाज रहता है वहाँ इस प्रकार के ये कार्यक्रम हुए हैं। मित्रों, जैसा बताया कि मैं कार्यक्षेत्र मेरा पहले नागालैंड रहा, वहाँ एक मेरे मित्र, उनका नाम है जी थोंग, तो जी थोंग एक बार विदेश यात्रा पर गए थे और विदेश यात्रा से वापस लौटते समय थाईलैंड से उनको भारत में आना था, तो थाईलैंड के एयरपोर्ट पर आए, अपना टिकट दिया उन्होंने, उन्होंने पासपोर्ट मांगा तो पासपोर्ट देखा, उसमें नाम लिखा था जी थोंग और नेशनैलिटी इंडियन, तो एक बार नेशनैलिटी इंडियन देख रहा था, एक बार चेहरा देख रहा था, अभी नागा व्यक्ति का चेहरा थोड़ा अलग हो जाता है, तो मेल नहीं खा रहा था, तो उसने पूछा कि आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है, तो बोला है मैं नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट में इंजीनियर हूँ। उन्होंने अपना कार्ड दिखाया और उस पर भी नागालैंड, मतलब उनकी आइडेंटिटी नेशनैलिटी इंडियन लिखा था, लेकिन दोनों मेल नहीं खाने के कारण पुलिस ने बताया, वो वहाँ का जो टिकट एयरपोर्ट पर ऑफिसर था उसने बताया कि आप भारतीय तो लगते नहीं है, तो बोले मैं भारत का हूँ, मैं स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हूँ, सब कुछ बताया लेकिन डिटेन कर दिया, बैठिए, बोले आपको जाना नहीं मिलेगा, आपकी आइडेंटिटी जो है वो अभी प्रश्न चिन्ह लगा है। फिर उसी फ्लाइट से जाने वाला एक भारत का व्यक्ति वहाँ आया, उसने अपना टिकट दिखाया सारा, उसका चेहरा तो बाकी भारतीय जैसा था इसलिए वो तो कुछ उसको अलाउ कर दिया, फिर उसको बताया कि ये जो सामने बैठे हैं वो नागा है, कहते हैं इज ही इंडियन, तो भारत के आदमी ने बताया नो नो ही इज नो इंडियन, ऐसा बोल के निकल गए। तो पुलिस बोला देखो कि देखो भारत का व्यक्ति भी आपको अपना नहीं मानता है, तो हमारे थोंग साहब बड़े दिक्कत में फंस गए, बोले क्या करें, अभी फ्लाइट चली जाएगी तो पॉकेट तो वैसे ही खाली हुए हैं, अभी कैसा वापस जाए, और मेरी भाषा इंग्लिश थाई पुलिस को पता नहीं चल रही थी, थाई भाषा मुझे नहीं आ रही थी, तो कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम आ रहा था। मैं सोचा कि क्या बताने से थाई पुलिस का विश्वास होगा कि मैं भारतीय हूँ, तो उसने बताया, मैं सोचा एंड आई शाउटेड आई एम द हिमालया, ऐसा कहते ही पुलिस हंसने लगा, ओके दैट मीन्स यू आर इंडियन, गो गो जाओ जाओ छोड़। उसने बताया भारत की पहचान क्या है, अभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम सबको सब दुनिया में मालूम होगा ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन भारत की पहचान है वो हिमालय पर्वत है, गंगा नदी है, ऐसे कई चिन्ह जो है भारत की पहचान के रूप में देश दुनिया जानती है। फिर आगे आकर फ्लाइट में बैठे तो बोले मेरे बगल में
जो मुझे अपना ही नहीं मान रहा था वही आदमी था, तो मेरी इच्छा ही नहीं थी पहले बात क्या करे उससे। फिर मैं चलो, मैंने पूछा, भाई साहब मैं नागालैंड का हूँ, मैं भारत का हूँ, आपने मुझे भारतीय बताने में ना कर दिया। भारत का भी बोलता है, आप नागा लोग अलग देश की डिमांड करते हैं ना, आप थोड़ी ही इंडियन है। तो बोलते हैं जी आप अपने को अपना नहीं मानते, हम अलग देश की डिमांड करेंगे, इसमें गलत क्या है। हालांकि उस विचार के नहीं है, वो कहने का मतलब ये डिस्कनेक्ट है। शहर के लोग जो है वो जनजाति क्षेत्र से आने वाले, जिसको वनवासी कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, गिरिवासी कहते हैं, ट्राइबल कहते होंगे, संविधान ने उसको जनजाति कहा है। तो जनजाति क्षेत्र से लोग आते हैं शहरों में तो उनको अलग नजर से देखते हैं, क्योंकि हम शहर के लोगों ने जो किताबों में पढ़ा है, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा है, न्यूज पढ़ सुनते हैं, न्यूज पेपर में कुछ आता है, और इसके कारण हमारी एक इमेज हमने बना लिया है, वो बनी हुई है। हमने कभी जाकर देखा भी नहीं उस आदमी को, उसके कभी गांव में कभी गए हैं, तो फिर हमने इमेज बना लिया कि वो ऐसे है। और ज्यादातर न्यूज जो आती है निगेटिव न्यूज ही आती है, पॉजिटिव न्यूज बहुत कम आती है, अभी तो आने लगी बात अलग बात है। तो इस प्रकार का डिस्कनेक्ट है। इसलिए जिसकी बात हरीश जी ने बताई कि जो कल्याण आश्रम जो है, ये नगर के लोग और जनजाति समाज के लोग, इनको एक साथ लाने के दृष्टि से और सब मिलकर के, जो बात हमारे मुकुंद नायक जी ने बताया कि हमारे देश को बचाना है, बढ़ाना है वाली बात, इसी के लिए कल्याण आश्रम का काम चल रहा है। आज 70 वर्ष इस काम को हो गए, 70 वर्ष हो गए। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें भी देख रहे होंगे, यहाँ पर भी दिल्ली में रहने वाले दिल्ली के वासी भी है, जनजाति समाज के भी काफ़ी बड़े लोग, अच्छे कोई प्रोफेसर है, कोई बड़े अधिकारी है, यहाँ उपस्थित है हमारे बीच में, और नृत्य देख रहे, जनजाति समाज के संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा स्लोगन है, तू मैं एक रक्त, तू मैं एक रक्त। मित्रों, ये तू मैं एक रक्त केवल स्लोगन नहीं है, तो ये जो कार्यक्रम है ये दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ तू मैं एक रक्त है। और इस कारण अंग्रेजी में कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कृति शब्द से मुखर होती है। इसलिए कल्याण आश्रम के हर कार्यक्रम अपने आप में कुछ कहता है, कुछ मैसेज देता है। तो मुझे लगता है कि जनजाति समाज आज देश के लगभग पूरे आबादी का लगभग 9%, यानी 12 करोड़ आबादी वाला जनजाति समाज हमारे भारत में रहता है। 700 प्रकार की जनजातियां इस देश में रहती है। दुनिया में सबसे बहुत बड़े आबादी वाला जनजाति देश कोई होगा तो भारत है, ये भारत की विशेषता है। और यही समाज ने रामायण महाभारत काल से लेकर के अभी 2021 तक मैं कहूंगा, हर समय भारत के धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, इतिहास, इसका रक्षण करने का एक बड़ा काम किया है। मित्रों, ये वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इस उपलक्ष्य में कल्याण आश्रम ने 2 वर्ष एक मेहनत करते हुए देश के स्वतंत्रता के सारे इतिहास में जनजाति समाज का योगदान क्या है इसका अध्ययन किया। जो किताब हमको सबको प्रेजेंट की गई उसी प्रकार की किताब, उसका नाम है जनजाति गौरव। ये किताब भी IGNC में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और कल्याण आश्रम, इन्होंने मिलकर बनाई है। तब ध्यान में आया कि देश के हर राज्य के हर जनजाति समाज ने अंग्रेजों के साथ भीषण संघर्ष किया है। हम 1857 की पहली लड़ाई मानते हैं, उससे 70 साल पहले लगभग तिलका मांझी ने आज के बिहार में संघर्ष किया और वो अकेला शहीद नहीं हुआ, उसके साथ हजारों लोग शहीद हुए। हम और जलियांवाला बाग कांड को जानते हैं, वो सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन उससे भी कई बड़े संघर्ष में जनजाति समाज ने आत्मार्पण किया है, देश के लिए बलिदान किया है। इसी राजस्थान में मानगढ़ में
गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील समाज ने भी ऐसा एक बड़ा आंदोलन किया और भूरे किया, ना मानो रे, नहीं मानो रे, मतलब गोरे लोगों की बात मत मानो, इस प्रकार का संदेश देते हुए संघर्ष में एक ही जगह एक ही दिन में 1500 लोग शहीद हुए। उसी प्रकार तेलंगाना के निर्मल नाम के जगह पर रामजी गोंड ने भी ऐसा ही प्रयत्न किया गोंड समाज को लेकर, और उनके साथ 1000 लोगों को पेड़ पर फांसी में लटकाया। संथाल समाज में इसी प्रकार हुल क्रांति हुई 30 जून को हुल दिवस मनाते हैं, उनके साथ भी पूरे संथाल समाज उठ खड़ा हुआ और हजारों की संख्या में लोग शहीद हुए। इसका नेतृत्व करने वाले सिद्धो कानो, ये दो भाई उनके साथ, और दो भाई चांद भैरव और उनकी दो बहनें फूलो झानो, कल्पना करिए एक ही परिवार के 6 लोग, पूरी पीढ़ी देश के लिए शहीद हो गए। मित्रों, पूरे सुदूर नॉर्थ ईस्ट में भी रानी कैदुदेवी ने इसी प्रकार का संघर्ष किया हो, अपो जादूनाल ने संघर्ष किया है, पाथोमिन संगमा है, वीर संबोधन खोमलोसा है, मिजोरानी रुपुलियानी है, और मध्य भारत में यहाँ पर वीराना रानी गोंड रानी दुर्गावती है, ऐसे कितने नाम गिने हैं। इसमें विशेषता ये है कि जनजाति समाज का संघर्ष और पूरे समाज का संघर्ष भारत के शहरों में भी हुआ, लेकिन 8-10 युवक हाथ में बंदूक लेके निकले और उन्होंने और अंग्रेजों को डराया और उनकी हत्या की, लेकिन समाज उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। जनजाति क्षेत्र में पूरा जनजाति समाज उनके साथ खड़ा हुआ, ये पहली बार इस इतिहास में हमको ध्यान में आता है। इसलिए मित्रों, जनजाति समाज का योगदान ये बहुत बड़ा है, और इसलिए जैसा हर्षि ने बताया, शायद प्रगति की दौड़ में वो पिछड़ा हो सकता है, लेकिन संस्कृति की दृष्टि से वो हमसे अग्रणी है। समझ और इनके प्रति रूढ़ी होना ये हर नगरवासियों का दायित्व बनता है। नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी ये जब कहते हैं तो हर जनजाति व्यक्ति मेरा भाई है, तो यदि मैं पिछड़ा नहीं हूं तो मेरा भारतीय भाई कैसा पिछड़ा हो सकता है। और इसीलिए सेवा के विभिन्न काम करते हुए 70 वर्षों में कल्याण आश्रम ने कई काम किए हैं जिसकी जानकारी आपको समय समय पर मिली होगी। आज ये जो लोक कला संगम का कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इसको भी हम देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मित्रों, जनजाति समाज कभी भी अकेले में कोई काम नहीं करता, वो सब मिलकर ही करते, नाचेंगे तो भी एक साथ नाचेंगे, गाएंगे तो भी एक साथ गाएंगे, सामूहिकता इनकी सुंदरता है। और हर जनजाति व्यक्ति कलाकार भी है, हर जनजाति व्यक्ति ये खिलाड़ी भी है। आवश्यकता है उनके साथ खड़ा रहने की, उनको हाथ पकड़कर थोड़ा सहयोग करने की, तो देखेंगे ये लोग कला में भी देश दुनिया में नाम अभी कर ही रहे हैं, आने वाले समय में भी करेंगे। इतना ही नहीं तो खेलों की दुनिया में भी ये लोग अभी भी आज कर ही रहे। मेरी कोम है मणिपुर की, वो तो जनजाति समाज की है। कविता राउत दौड़ती है, वो भी जनजाति समाज की है। तीरंदाजी में नाम करने वाले लिम्बाराम, वो भी जनजाति समाज से बिलोंग करते हैं। ऐसे कई कितने नाम ले, तो इस प्रकार के जनजाति समाज ये हमारा एक महत्वपूर्ण समाज है। कई बार हम लोगों को लगता है कि शहर के लोग, हम लोग जो है जनजाति समाज का उत्थान करना चाहते हैं, उत्थान ये शब्द ठीक नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ में लेकर और कदम से कदम मिलाकर उनको आगे लेके चले। इसलिए जनजाति समाज इज ए बिग एसेट फॉर भारत, बिग एसेट। और मैं दिल्ली इकाई को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुकुंद नायक जैसे एक बड़े
पद्मश्री विभूषित, और आपने देखा कलाकार, जबकि उनको 10 मिनट बोलने देना है उनके ऊपर भी अन्याय है। रांची से इतने दूर से 10 मिनट के लिए आए, लेकिन आप घंटों घंटे बैठेंगे तो काफ़ी बातें निकल जाएगी उनके मुंह से, उनके संगीत से। ये संगीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं मित्रों, इसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, ट्रेडिशनल नॉलेज भरा हुआ है। यहाँ जितने सारे गीत हैं आपने देखा होगा, इसमें इतिहास है, संस्कृति है, धर्म है, ये सब भरा हुआ है। जनजाति समाज स्टेज में नाचने का आदत, उसको आदत नहीं है, वो मनोरंजन, प्रेक्षकों के मनोरंजन के लिए नाचता नहीं है, वो अपने आनंद के लिए नाचता है। इसलिए देखने वाला रहे ना रहे वो नाचने वाला है, इसलिए आपने जाना नहीं है, लेकिन कार्यक्रम पूरा देख के जाएंगे। तो ऐसा ये समाज, ये हमारे लिए एक बड़ा समृद्ध समाज है। आने वाले समय में जैसा यहाँ एक अच्छी परंपरा शुरू किया है, मैं तो कहूँगा शहर के महानगरों के जितने बड़े कार्यक्रम होते हैं, दीज आर रियल सेलिब्रिटीज, ध्यान में रखिए। केवल कुछ अभिनय करके स्वार्थ के पीछे दौड़ने वाले सेलिब्रिटी कभी भी नहीं हो सकते हैं। जैसे आज हमारे मंच पर विराजमान है मुकुंद नायक जी, वैसे भूरी बाई भी हम जानते हैं, ऐसे कई हर जनजाति में आपको मिलेंगे। किसी को पुरस्कार मिला होगा, किसी का नाम जानते भी नहीं, ऐसे भी होंगे, ये कलाकार भी है। इतना ही नहीं तो ग्राम विकास में बड़े बड़े काम करने वाले, कोई पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग हैं, कोई खेल तीरंदाजी में आगे बढ़ने वाले लोग हैं, कोई साहित्य में काम करने वाले लोग हैं। आज ऐसे कई लोग हमारे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने का कारण हमारे सामने आ रहे हैं, तो उनको हम अवश्य ऐसे कार्यक्रमों में बुलाए। और ये जो नृत्य करने वाली टीम है, इस नृत्य टीम में दिखने में तो शायद गांव के लोग लगते होंगे, लेकिन मैं जानकारी लिया तो मुझे पता चला कि यहाँ का जो नृत्य टोली में प्रमुख है गंगा प्रसाद जी, वो इंग्लिश के लेक्चरर है, और कई भाई और बहनें बीएससी बीकॉम बीए कर रही है, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट में सर्विस करने वाले लोग भी है। तो ऐसा कई बार लगता है कि जनजाति माने पिछड़ा हुआ, वो ऐसा नहीं है, वो आज शिक्षा की दुनिया में भी आगे जा रहे हैं। उनके पोशाक पर मत जाइए, उनके पीछे के जो भाव को हम समझे, और इस प्रकार कल्याण आश्रम के साथ जुड़ करके हम जनजाति समाज को समझे। और कल्याण आश्रम का एक कार्यक्रम रहता है वन यात्रा, जिसके तहत हम जनजाति गांव में जाकर 2-3 दिन वहां रहे और सिखाने के लिए न जाए, सीखने के लिए जाए, इस प्रकार का एक आह्वान करता हूं। मित्रों, आप यहां बैठे हुए शहर के सभी लोग, ये अपने अपने जीवन में एक ऊंचाई को छुए हुए लोग हैं, आपका जीवन सफल है, आपके बेटा बेटी ये भी अच्छे पढ़े लिखकर, यहाँ कई बैठे हुए लोगों के लड़के बेटियां भी विदेशों में काम कर रही है। लेकिन मित्रों, भारत में केवल सफल जीवन पर्याप्त नहीं है, तो जीवन सार्थक भी होने की आवश्यकता है। और सार्थकता में मैंने मेरे परिवार के लिए क्या किया, इसकी गिनती नहीं होती है, मैंने दूसरों के लिए क्या किया, मैंने समाज के लिए क्या किया, इसकी गिनती होती है। इसलिए मित्रों, कल्याण आश्रम आपको अपना जीवन सार्थक करने के लिए आह्वान करती है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद।